इस कालखंड के प्रथम सुख से साहब सुभद्रा, इस कालखंड के प्रथम सुख से श्यामानंद, यहाँ बैठे हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन सभी को मेरा प्रणाम है। देखिए जब हम यहाँ बैठे हुए थे, बाहर में लोग पूरा बैठे हुए थे और जब भुंजा बाती तो भुंजा खा खा करके लोग हंसते तो देख करके तकलीफ कि तो क्या कहें। एगो सवाल हमारे मन में आ रहा है, आप सारे लोगों से पूछना चाहते हैं, हमको चर्चा करे आता नहीं है, कोई पूछे तो आता है ना। आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ किस लिए आए हैं बता दीजिए। आप कहाँ साप्ताहिक में जाते हैं या मासिक में जाते हैं, तो काहे में जाते हैं, क्या उद्देश्य? पहला है शिवशिष्य बने दे और बना दे, ठीक है। आपसे कोई भी पूछे आप काहे चर्चा मारे, उत्तर यही दे दीजिएगा, हम शिवशिष्य बने ले आए हैं, पहले बने ले तब बना ले, बनवे निकलिएगा तो संगत क्या बनेंगे जब आप ही नहीं बनिए। और जब आप शिवशिष्य बने ले आए हैं तो बनता के है, शिवशिष्य वही होगा जो अनुशासित होने योग होगा। ऐसा नहीं कि बारह बैठ के गप कर रहे हैं, चार गो साथे बैठ के बड़ी कुछ देखे हैं, बैठल बैठल बाहर में गप कर रहे हैं, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे तकलीफ बोलेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि हम आए हैं शिवशिष्य बने, ठीक है, तो बनेगा वही जो शांति से सुनेगा, चूंकि बनेंगे अगर कोई शिवशिष्य बना नहीं तो फिर तो ये जिंदगी बेकार है ना। नहीं साहब की वो चर्चा इधर सुन रहे थे, मान लीजिए मुख्यालय के आदमी हमको बैन कर दे तो कुछ देर ले चलेगा, लेकिन महादेव अगर आप पद को बैन कर देंगे तब जाओगे, तो आपको एक शिष्य के जैसा बैठ करके सुनना चाहिए, या अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई सवाल आपको जो मन में उठता है उसको रखिए। लेकिन मछली बेचे बला मार के जैसा कर दीजिए गए तब तो गड़बड़ेगा, चाहेगा कौन सी स्थिर से बैठ करके लोगों को सुनना चाहिए। आप आए हैं शिवशिष्य बने और बना दोगे, ठीक है, इसी के लिए आए हैं। और सच्चाई है हम आप जितने भी हैं, चाहे जो आयोजक हैं श्री भैया ही हो चाहे तो हो, या आयोजन आप किए किस बात को, शिवशिष्य बनने ले या बना दे, उद्देश्य तो इतने होगा, दूसरा तो कुछ नहीं हो। अगर आप यह आयोजन किए हैं कि हमारा नाम हो, तब तो आपका उद्देश्य तो गड़बड़ी है भाई, नाम के लिए तो आप कर नहीं सकते। और यह जो कहा गया कि अनुशासित होने योग्य हो, कि के देखेगा कि देखते गुरु है, ठीक है, शिष्य वही है जो अनुशासित होने योग्य हो। हम आप सारे लोग शिष्य हैं, जितने भी लोगों ने कह दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, सारे लोग शिष्य हैं। इसीलिए लिखा गया कि शिष्य वही होगा जो अनुशासित होने योग होगा। हम लोग तो शिष्य ही है, लोकलवाद लिखा है अनुशासित होने योग, या देखेगा के बाद। आप जब फील्ड में काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, या आप चर्चाओं में जाते हैं, तो जो वह गुरु उसकी शक्तियां वह तो कण कण में है सब जगह, वह आपको देख रहा है
कि यह शांति से सुन रहा है कि नहीं, या जो काम कर रहा है सही से कर रहा है कि नहीं, उसी को कहता है कि अनुशासित होने योग्य है, चूंकि ये ध्यान पूर्वक सुनता है और लोगों को भी सुनाने का प्रयास करता है। मेरा आदेश पर यह खड़ा हो रहा है, यही अनुशासित होता है, वही ना शिष्य होता। तो एक बार बार कहा गया, एक शिष्य का परिचय हम लोगों को देनी चाहिए कि शांति से बैठनी चाहिए, न कि जैसे हल्ला होता है सब्जी मार्केट में वैसे जब हल्ला होता क्या है चर्चा भाई। सदैव याद रखिए आपके ऊपर देखने वाले हैं, वह देख रहे हैं कि यह करता क्या है। मैं भी आया हूं तो मेरे ऊपर भी देख रहे हैं, यह गुरु कार्य कर रहा है कि कोई अपन काम कर रहा है। अगर आपको भय हो तब तो आप सुधर जाए, भय ही नहीं होगी तो सुधरे क्या भाई? जो जिसको भय होगा वही ना सुधरेगा, लेकिन भय को रखे पड़ेगा। आइए दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, पहले हम कहें उनको चर्चा करना कमी है। आप जो पहला सूत्र है क्या है, हे शिव आप मेरे हो, वह क्या है भाई बताइए। देर चर्चा करके गए हैं कृष्ण कुमार सारे लोग, यह दया मांगे तो दूसरा लाइन है, पहला लाइन है कि हे शिव आप मेरे मेरे गुरु हैं, यह क्या है? पहले का दिन हमको चर्चा करने आता पूछे कि आप मेरे हैं, ठीक है आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी आप कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, हाँ, या इसमें आपको अधिकार मिला हुआ है, अधिकार को दूसरा देता है, अधिकार आपको मिला हुआ है कि आप उस शिव को अपना बना सकते, और यह अधिकार अगर आप नहीं यूज करेंगे तो क्या करेंगे? हे शिव आप मेरे हैं, यह अधिकार आपको मिला है, और जिसको अधिकार मिला है उसको तो लेना ना चाहिए। अभी अधिकार दे दे कि सबके 100 रुपया रुपया पर हो जाएगा फिर चले, अरे इतना बढ़िया अधिकार मिला है कि आप शिव को अपना बनाइए, नहीं यह अधिकार आपको मिला तो उस शिव को आप अपना बनाइए, और जो अपना नहीं बनाएगा ठीक है वह दूसरे को क्या बनाएगा। दूसरा सूत्र है कि मैं आपका शिष्य हूं, दूसरा लाइन है मैं आपका शिष्य, मुझ शिष्य पर दया की, इधर तो सरकार पहला का लेना पर ध्यान दीजिएगा तब ना तो सरकार होगा, एकदम तो आपको अधिकार है कर्तव्य इसमें है दूसर का ले लुआ, लेकिन पहलौका में आपको जो अधिकार मिला है हे शिव आप मेरे हैं, तो वो अधिकार आप जमाइएगा ने? मैं पहले ही कहा कि कहें चर्चा में जाइए तो उद्देश्य में जाइए, काहे लाए हैं भाई। अगर आपको लगा कि हाँ हम शिष्य बने लाए हैं तब ये नहीं आप कहिएगा कि हाँ आप मेरे हैं, आप उनको अपना बनाइएगा। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो यह बताया है साहब छोड़ के कि वह शिव को अपना बनाया जा सकता है, क्योंकि आपके शास्त्रों ने कहा है जो सबका होगा वह किसी का नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन साहब यहां सूत्र में दे दिए हैं कि वह आपका अपना होगा, हाँ हे शिव आप मेरे हैं, यही पासवर्ड है, बहुत तो चर्चा सुने होंगे, यही आपकी शिष्यता का पासवर्ड है, और इसी को आप भूल जाइएगा। इस बात को हर वक्त एकदम ध्यान में रखना है कि हे शिव आप मेरे हैं, तब आप
अपना कर्तव्य कीजिएगा कि दूसरे को भी आप शिष्य बनाइएगा। हाँ, आप जहाँ यह भूल जाइएगा कि हे शिव आप मेरे हैं, तब तो सरकार भोजन करते दे देंगे। इसको याद रखें, इसको कभी मत भूलना, इसको याद रखना होगा चाहे कैसे रखें। ये इस बात को याद रखना है कि हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दया कहा कि दया कीजिएगा आप सरकार जब दया कब करेंगे। अभी मैं बोला हूं कि अनुशासित होने जोड़िए, दया कब करेंगे जब आपको लगेगा कि हे शिव हम शिव मेरे हैं, तब ना दया करेंगे। आपको अगर नहीं लगेगा कि शिव मेरे हैं तो कायदा आपको मेरे अपना बुझेंगे। इतना बढ़िया पहला लाइन सूत्र के याद रखे पड़ेगा कि हे शिव आप मेरे हैं। इस लाइन को याद रखिएगा तभी वो आगे आपकी दया होगी। यही चीज वह भूला जाइएगा। हमने देखा है बहुतों लोगों को देखा है कि चर्चा करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन पहला सूत्र नहीं है। जब पहला सूत्र आप नहीं करेंगे तो भजन आई चर्चा क्या हो रहा है? आपको इस बात को याद रखनी होगी कि हे शिव आप मेरे